आदाब सत श्री अकाल, मैं सिद्धांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सेट भोपाली में। तो फ्रेंड्स, आज के इस पांचवें दिन हम देखेंगे कि मैदान में क्या गतिविधियां चल रही हैं और अब जो है समय वो लगातार कठिन समय है। लगातार टीमें जो हैं वो अपने आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई राउंड ऑफ थर्ड यानी क्वार्टर फाइनल के गेम्स जो हैं वो अभी लड़ रहे हैं और देखते हैं कि आज मैदान में क्या हुआ। तो भाई, दिन के पहले वीडियो में मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ पठान काइट क्लब से। यह टीम जो है वो बहुत ही शानदार लड़ा रही है भाई। इनकी टीम ने भाई हमें मतलब एक चीज़ जो है वो सिद्ध करी है, ये कि इंसान बड़ा या छोटा होना ज़रूरी नहीं है, उसका जिगरा बड़ा या छोटा होना ज़रूरी है भाई। और बहुत ही शानदार पतंगबाजी करी है। तो सबसे पहले हम बड़े भाई को माइक देते हैं, वो पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या माल उड़ा रहे हैं, क्या पतंगे उड़ा रहे हैं और क्या मांझा उड़ा रहे हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे हैं भाई? ठीक हूँ भाई, लगातार ठीक। तो भाई बताएं, आपकी टीम में कौन कौन मेंबर हैं? ये हमारे यावर भाई हैं जी, और योसेफ भाई हैं जी, ये शीनू भाई हमारे जी, और आप चार नंबर। ठीक है भाई, ठीक है। सो भाई, कैसा लग रहा है ये, मतलब कैसा चल रहा है आपका अभी, कैसा लग रहा है आपको टूर्नामेंट में पतंग उड़ा के, क्या आपका मतलब है एक तरीके से बताएं भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा माइक भाई पास रखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। कि अभी हम मतलब स्टार्टअप लिया है जी, बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाया है। हमारे छोटे भाई हैं, इनने अभी अभी पतंग उड़ाना सीखी है, 3-4 साल हुए हैं, तो इनको आगे ज़्यादा बढ़ाना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगा कि मतलब देखिए, और भी टीम्स अपने को देखने मिल रही हैं जी, और भी टीम्स पतंग लड़ा रही हैं, लेकिन आपकी टीम जो पतंग लड़ा रही है वो एंटिक पतंग लड़ा रही है, कोई रखने में भी घबरा रहे हैं लोग आपके सामने, ऐसा क्या है भाई? आप ऐसी क्या तैयारी करके आए हैं कि भाई आपकी टीम सबकी टीम को बिल्कुल एक तरफा होकर मतलब काट रही है, क्या कारण है भाई? तैयारी कुछ नहीं है, बस ये है कि जितने अच्छे प्लेयर हैं उनसे हम इन लोगों से बोलते हैं कि दिल खोल के लड़ाओ। कटना काटना तो एक अलग जगह है, आप दिल खोल के लड़ाओगे तो आपकी खुद ब खुद पतंगबाजी अच्छी होगी। अच्छा, आपने खुद डेवलप किया है कि किसी और के तहत, किसी मतलब आपकी कोई उस्तादी है इस तरीके से? नहीं, उस्तादी तो नहीं है, बस हम खुद ही सीख गए अपने आप से। जी भाई बताएं, किसकी पतंगें उड़ा रहे हैं अभी तक, आपने किसकी पतंग से पेच काटे हैं लगभग? भाई बच्चे की है, और दिखाइए भाई, दिखाइए पहले पतंग, दिखाइए आप कौन सी पतंगें ज़्यादातर उड़ा रहे हैं। तारिक की पतंग ये रही है, तारिक भाई की, तारिक भाई की पतंग। नीचे रखिए, नीचे रखिए, तारिक भाई की पतंग। ठीक है भाई, और दिखाएं कुछ नया पतंगें अगर आपके बैग में हो तो भाई वो कुछ दिखाएं। नया पतंग है साहब, ये भूरे भाई की पतंग है ना, कानपुर जफर भाई, कानपुर। बहुत शानदार भाई, बहुत पुराना पतंग है वो, ये शेजाद अंसारी, ये भी मेरा पतंग है, बहुत शानदार भाई ने दिया ये पतंग, वो के नाम ने मंगाए ये वाला पतंग भाई। नीचे नीचे रखिए, नीचे शोएब भाई का दिया हुआ पतंग है यार, वासिफ भाई हमारे, मेरे ही दिया हुआ पतंग है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। और दिखाएं भाई, मेरा पतंग है वो, नीचे वाला मैंने दिया था शोएब भाई को, दफा कानपुर। हां, वो ये कह रहा हूं, वो पतंगा मेरा दिया हुआ है, खेला जानकारी का। बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इसका पतंग है भाई अयान टॉप स्टार, और बहुत अच्छा कर रहे हैं यावर भाई का, ऑल इंडिया में भी और लखनऊ में भी सब जगह इनकी डोर लड़ाई जा रही है, एंड टॉप स्टार भोपाल में भी लड़ाई जा रही है। नहीं बोलो, वो भी टीम और इसके अलावा भाई क्या उड़ा रहे हैं आप? तायर भाई वाली तीनों टीमें आ गई तो उन लोग का लड़ेगा। पर ये क्या उड़ा रहे हैं भाई, एजाज बेग, एक मिनट पता कि बड़े ड्रैगन एक सेकंड ले लीजिए, इस पे कांच देगी, चमक देगी, बहुत ही शानदार। ये बहुत बड़े कारीगर हैं और इनकी डोरें भी बड़ी महंगी हैं, मालूम नहीं है इन लोग। इसके अलावा भाई क्या उड़ा रहे हैं? बाबू फहीम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दो मिनट बचते, दो मिनट और बचा के लाता। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो बताएं, सबसे पहले आपने काइट क्लब का नाम बताएं भाई। न्यू लाइफ काइट क्लब, न्यू लाइफ काइट क्लब से। भाई कौन कौन मेंबर लड़ा रहे हैं आप? भाई मैं साहिल भाई, आदिल भाई और ये हमारे आशु भाई। ठीक है भाई, तो कैसा लग रहा है भाई टूर्नामेंट, कैसा भाई लग रहा है? बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आज हमारे थर्ड राउंड लड़ रहा है जी, वो भी हमारी टीम है जी, और आपसी में मतलब हो गया एक टूर्नामेंट, लेकिन बस वही टीम आ गई है। और ये कि
वो भी एक ही टीम के हम लोग, वो वाली टीम भी और ये वाली टीम भी, दोनों हाँ हम लोग एक ही टीम के, लेकिन बस मोहब्बत में लड़ लगी है पता, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ खजाना दिखाइए पहले भाई, आपका खजाना देखना चाहिए। ये देखिए भाई पतंगे क्या उड़ा रहा है, पहले पतंगे, पहले पतंगे भाई, ये साहिल बेगला भाई, ये वाहिद का पतंग है भाई, ये जफर का पतंग है भाई, ये देवराज का पतंग है, देवराज जी देवराज का ठीक है, और भाई ये वली रहमान का पतंग है, दिखाइए भाई ये पतंग बहुत शानदार, वली रहमान, और भाई ये वसीम टिकली, वसीम टिकली मुरादाबाद, वसीम टिकली राजा, राजा उस्ताद ठीक है, और भाई ये नए कारीगर का पतंग आए हैं, ये अपने दोस्त ने भेजे हैं कि ये अभी लखनऊ में लड़ रहे थे जी। तो ये टूर्नामेंट में लड़े थे तो उनने भेजे थे, कहने लगे बहुत अच्छे उड़ रहे थे जी। तो अभी तक अपन ने इनको ट्राई नहीं करा जी, ठीक है भाई। और कुछ भाई कुछ नया अभी कुछ अंदर से है, है ना? निकालो ना, तो भाई दिखाइए भाई, ये वाहिद की पतंग है, वाहिद कुरैशी की, और ये एक मिनट भाई पास करके दिखाइए भाई, तब सही समझ में आता है ठीक है। वाहिद कुरैशी की पतंग है जी, वाहिद कुरैशी, एक मिनट मोहर दिखा दीजिए, देखिए मोहर ठीक है। वाहिद की पतंग है भाई, ये वसीम टिकली की पतंग है जी, वसीम टिकली, और ये भाई नरेश की पतंग जी भाई, देवराज की पतंग भी है भाई जी, और ये नाजिम की पतंग है भाई जी, ये भी वसीम की पतंग जी, ये वाहिद की, ये नरेश की पतंग है भाई जी, और ये भाई ये पतंग है कोई सा प्रिंस मेरठ से पतंग जी, ये असगर का पतंग है, इसका थोड़ा पास से लेना भाई जी, असगर भाई जी जी, बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार भाई, ये भी पतंग है जी, दिलीप की पतंग है भाई ये, और ये भाई नाजिम के पतंग है सील वाले जी। भाई का पेज था, आगे का जो मांझा कवर करेंगे वो हमारे अल्लू भाई कवर करेंगे, तो कैसे हैं भाई? मैं सब बढ़िया मेरे भाई, थोड़ा सा माइक पास, सब बढ़िया मेरे भाई, ठीक है ठीक है। तो बताएं भाई कौन सी डोर आपकी टीम उड़ा रही है, बताएं भाई। मेरी टीम उड़ा रही है हैदर वाली डोर उड़ा रही है जी, मुस्तकिन भाई की एक नंबर डोर ले ली मेरे भाई, तीनों राउंड इसी से काटे अभी उन्होंने, हमने अहमद ठीक है भाई, बहुत ही शानदार मुस्तकिन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी। और कौन सी डोर उड़ा रहे हैं भाई आप? भाई और ये उड़ा रहा भाई, ये वीआईपी है जी, दिखाइए, ये देखिए आप, ये स्टिकर पे एहसान भाई का ही फोटो आ रहा है जी जी, एहसान भाई भोपाल है, कैसे ही लड़ा लो आप इस डोर को, कैसे ही लड़ा लो, फंसे फंसा के लड़ा लो, खींच के लड़ा लो, माशाल्लाह बहुत अच्छी डोर है वीआई, ये एहसान भाई बहुत अच्छी डोर आ रही है, ये तो मतलब इस डोर का तो जवाब ही नहीं है, बहुत लाजवाब डोर। अच्छा अपने ये डोर आपके यहाँ से ही अल्लू भाई जी, अपने पास से ही मिल रही है जी, बहुत ही शानदार। और क्या उड़ा रहे हैं भाई इसके अलावा? भाई आलम की डोर उड़ा रहे हैं, आलम खान ये भाई सामने दिखाइए, आलम खान जी, ये डोर भी भाई बहुत बहुत बढ़िया लड़ रही है भाई डोर, एक नंबर की, जो अभी जब जितनी टीमें लड़ाई हैं टीमें बाहर कर रही हैं भाई दोनों तीनों राउंड में, ये तस्लीम की डोर है, ये तस्लीम की डोर है, तस्लीम की डोर जी, बढ़िया बढ़िया। तो भाई अगर किसी को मतलब ये डोर चाहिए तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? मेरा नंबर है 7440519337। अच्छा ठीक है भाई, क्रीज में आइए, आपका ऊपर कर लीजिए, नीला पतंग इसका घूम रहा है, सुख से कम में पे ही नहीं फिरेगा भाई। तो भैया टूर्नामेंट की एक और इम्पोर्टेंट टीम से हम आपको मिलवाते हैं, आज भोपाल में जो टूर्नामेंट चल रहा है भोपाल एसोसिएशन की तरफ से टूर्नामेंट कराया जा रहा है, तो आज इसका तीसरे राउंड का चालू हुआ है, जिसके अंदर हमारी मेरी टीम ये ए टीम लाला भाई वाली ये थर्ड राउंड में आ चुकी है, थर्ड राउंड में आ चुकी है, किसी कारणवश हवा चली गई है तो अभी पेज रोक दिए गए हैं, मोनी भाई की तरफ से एक पेज काटा गया है और दूसरी अपोजिट टीम है जो उसने तीन पेज काटे हैं, इनका गेम आज 2 बजे से लड़ना है, ये हमारी बहुत अच्छी टीम है और भोपाल की बहुत पुरानी टीम है, वो काफ़ी जगह ये लोग लड़ा के आ चुके हैं, लखनऊ मुरादाबाद कानपुर मैं साथ गए हूँ इन लोगों के, और बड़ा अच्छा गेम लड़ा हम लोगों का, जहाँ जहाँ गए हम आज तक कोई बदमजगी नहीं हुई, जिस जिस प्रदेश में गए उन लोगों ने भी बहुत सहयोग करा हमारा और अच्छी तरीके से हमारी टीम लड़ी, उन्होंने भी अच्छी टीम लड़ा के दी हमें, हम चाहते हैं प्रदेश वालों को हमारा कि निवेदन है कि भोपाल आएँ और भोपाल में आके शोक करें अपना, जैसे जैसे आते थे वैसे वैसे आएँ, ये हमारे माजिद भाई हैं माजिद कुरैशी, ये हमारे बड़े मोनी भाई हैं, ये हमारे ताहिर भाई हैं, मेरा नाम आप सब जानते ही होंगे छोटू मोबाइल भोपाल से,
हमारे भोपाल काइट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट माननीय उमंग भाई जो है वो हमारे साथ हैं और थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई, सबसे पहले बताएं। बहुत बढ़िया भाई, कैसा चल रहा है भाई टूर्नामेंट आपके अकॉर्डिंग? बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है जी। बस आज के बाद हमारा कल सेमीफाइनल फाइनल का राउंड है, फिर टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा जी। देखा अंसार भाई ने पहले राउंड में ही पहले 1-6 काटे थे, तो बहुत बढ़िया पतंगबाजी आपकी चल रही है। और थोड़ा सा माल मटेरियल दिखाइए भाई, क्या पतंग आप यूज़ कर रहे हैं, क्या मांझा आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप दिखाइए भाई। जी देखिए भाई, हम जो यूज़ कर रहे हैं जी, वो है इदरीस। दिखाइए भाई, ऐसे गोल घुमा के दिखाइए ताकि वो हो सके इदरीस। अहमद ऐसे दिखाइए भाई, पहले पहले ये जी इदरीस अहमद, बहुत अच्छे भाई। इसके अलावा भाई, इसके अलावा भाई कैसी वाइट कैसी, बहुत शानदार डोर है। इसके अलावा हमारी जो है डोर वो है हसीन लल्ला। ए मार हसीन भाई, पलट के दिखाइए जी भाई इधर। और एक जो भी नया ब्रांड आया है मार्केट में, बहुत अच्छी डोर लड़ रही है, सोनू अब्बासी जयपुर। अच्छा सोनू अब्बासी भाई की डोर, अरे जय अब्बासी की डोर है सोनू भाई की, बहुत लाजवाब भाई। नाम बहुत सुना है मैंने, बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छी डोर बनाते हैं, फंस के कटना बहुत मुश्किल होती है भाई। ये एक नई चीज़ देखने को आपको मिल रही है सोनू भाई की, सोनू अब्बासी जी की डोर जो है, देखिए भाई ये चीज़ बहुत ही शानदार भाई, बहुत शानदार। और हमारे अंसार भाई को तो कोई भी डोर दे दो आप, उनको डोर से मतलब नहीं है, उनको तो उनके फेस का मतलब भाई। बहुत ही शानदार। अच्छा भाई पतंग कुछ दिखाइए भाई, खजाने में से कुछ निकाल के दिखाइए, अंदर क्या पतंग रखे हुए हैं, क्या आप उड़ा रहे हैं? खजाना कुछ नहीं है मेरे भाई, बस नाजिम की पतंग, नाजिम और शंकर की पतंग उड़ाते हैं हम, शंकर के बस। नाजिम भाई के तो देखें, शंकर भाई का पतंग देखने की थोड़ा इच्छा रखता हूँ भाई, दिखाइए थोड़ा। ये भाई शंकर भाई का पतंग जो है, बहुत ही शानदार पतंग, बहुत शानदार। तो भाई आप मतलब सिंपल ही उड़ा रहे हैं एक तरीके से, कुछ नया भी नहीं? कुछ नया नहीं है भाई, ये तो पतंग है हमारे ब्रांड शंकर और नाजिम के, पतंग उड़ाते हैं हम। अच्छा कोई आपका मतलब, क्योंकि आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपका कोई मैसेज जो टीम के लिए या फिर टीमों के लिए या टूर्नामेंट के लिए कुछ तो वो बताएं भाई? नहीं, भोपाल के लोग सभी बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छे कोऑपरेशन से आ रहे हैं, और बस थोड़ी सी दिक्कत हवा की है, तो थोड़ा सा तालमेल मिला के चलना पड़ेगा हवा को लेके। सब रुके भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया टूर्नामेंट लड़ रहा है हमारा। अच्छा भाई चैनल के लिए मेरे कुछ अगर आप बोलना चाहें, कैसा चल रहा है, कैसा कवरेज दे रहा हूँ? बहुत बढ़िया कवरेज, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं छोड़ा आपने। सबसे बड़ी बात जो है आपकी पंक्चुअलिटी है, जब पंक्चुअलिटी आप आते हो वैसा तो हमारे कमेटी मेंबर नहीं आ पाते जितनी पंक्चुअल आप हो, और बहुत अच्छा कवरेज किया आपने हर मैदान को, हर मेंबर को, और ये आपकी खूबी है, बहुत बढ़िया। भाई सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी ये गुजारिश है सबसे, शुक्रिया। बहुत शानदार हवा आई होगी। इधर भाई पतंग जल्दी लगाए मांझे पे। आइयो हैदर भाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई सेमीफाइनल पहुंचने की भाई। भोपाल की पतंगबाजी का आनंद लेते हुए काफ़ी अच्छी पतंगबाजी हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, पतंग लड़ता हुआ नीचे वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से और ऊपर वाला जो है वो राइट हैंड साइड से, दोनों ने अपनी पतंगों को सही कर दिया। नीचे वाले ने जो है पतंग बहुत तेज़ी से तोड़ा है, वापस अंदर की ओर खींचता हुआ, ऊपर वाले ने इसे बल पर रखा हुआ है पतंग। अब देखना यह है कि इस पेच में क्या होता है। ऊपर वाले ने हल्का सा रख के बल बनाया है, नीचे वाले ने सलंग खींचने की कोशिश करी है और ऊपर वाले ने हल्का सा खींच करके काट ही दिया है। बहुत ही शानदार पेच फ्रेंड्स, बहुत शानदार। ये देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे से आपको पतंग दिख रहा है, जो आपको अंदर जाता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर वाला पतंग मेरे राइट हैंड साइड से। ऊपर वाले ने पतंग जो है वो अंदर की ओर खींचा है, नीचे वाला सलंग खींचने की काटने की कोशिश करता हुआ, नीचे वाला डबल्स बनाते हुए अब फ्रेंड्स पेच फंस गया है। सिर्फ खींचने और बहुत ही जानदार, ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा डबल का बना के काटा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। फिर से पतंग लड़ता हुआ नीचे वाला जो है वो अंदर आता हुआ, ऊपर वाला जो है
हल्का सा करने की तरफ उसके भागता हुआ नीचे वाले लगातार पतंग अपनी तोड़ी है, तोड़ता हुआ पतंग ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हुआ, ऊपर वाला हल्का सा करने की और दबने की कोशिश करता हुआ। अब देखना ये कि इस पेच में क्या होता है। नीचे वाला लगातार अपनी पतंग अंदर कस रहा है, ऊपर वाला हल्का सा अपना पतंग बचाते हुए। ऊपर वाले की पतंग जो है वो काफ़ी शानदार पतंग समझ में आती है। नीचे वाले ने बाहर खींचा है हल्का सा पतंग ऊपर की ओर चढ़ाया है, ऊपर वाला जो है फंसाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन नीचे वाले ने शानदार खींच के काट दिया है। बहुत ही शानदार पतंग फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, पतंग लड़ता हुआ, नीचे वाला पतंग जो है वह मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर वाला पतंग मेरे राइट हैंड साइड से है। ऊपर वाले ने हल्का सा पतंग जो है बल पे घुमाया है, नीचे वाले ने पतंग अंदर की ओर रखा है, दोनों अपनी तैयारियों को लेते हुए। ऊपर वाला पतंग लगातार बल पे रखे हुए, नीचे वाला पतंग अंदर दबाने की कोशिश करता हुआ, ये पेज जो है वो सही हो गया है। अब देखना ये क्या होता है। नीचे वाला बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ, ऊपर वाला जो है उसे घेरने की कोशिश करता हुआ, उसने अंदर की ओर दबाई है। नीचे वाले ने हल्की चढ़ाई है, ऊपर वाला निकला है बना के, डबल बना के उठाने की कोशिश करता हुआ, फंसा के बहुत ही शानदार पतंग काटा है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ये देखिए फ्रेंड्स, पेज सही हो गया। जो नीचे से आपको पतंग घूमता हुआ दिख रहा है वह मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ऊपर से पतंग जो आ रहा है वो मेरे राइट हैंड साइड पे है। देखना क्या है, उसने सामने वाले ने चपटा खींचने की कोशिश करी थी, बल फंसाने की कोशिश करी थी, लेकिन वह नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जो पतंग आपको नीचे से दिख रहा है वह मेरे राइट हैंड साइड से, जो पतंग आपको ऊपर से दिख रहा है वह मेरे लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखना यह है कि इस पेच में क्या होता है। ऊपर वाला लगातार पतंग को ऊपर की ओर चढ़ाता हुआ, नीचे वाला जो है उसके पीछे जो है लपकने के लिए नीचे से आगे बढ़ता हुआ, ऊपर वाला जो है पतंग को बचाते हुए ऊपर ले जाता हुआ। अब देखना है कि इसमें होता क्या है। ऊपर वाला पतंग वापस नीचे लेके आया है, नीचे वाले ने बाहर की ओर निकाला है, ऊपर वाला हल्का सा तिरछा होते हुए गद्दा निकलने की कोशिश करता हुआ है, ये उसने तिरछा मारा है, नीचे वाला बाहर निकाल रहा था लेकिन उसने अंदर की तरफ कस दिया है। बहुत खतरनाक तरीके से डोर फेंकी है और डोर फेंक के पतंग फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही शानदार पेच काटा है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया पेच काटा है फ्रेंड। उनकी पतंगबाजी आपने देखी नहीं भैया, भाई लंबे की तो क्या पतंगबाजी थी यार, जावेद जी अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पतंगबाजी थी उनकी, जावेद जी अच्छा। रफी भाई के क्या पेच थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेच, रफी भाई के पेच खड़े खड़े साली चार साथे, खड़े खड़े चार साथे चीकू भाई पे, परेड के अगले मैदान में चीकू भाई ने तीन साथे चौथी साथ उनका पतंग काटा, मतलब इतना हुनर में भोपाल में गद्दा मारने वाले जो आप गद्दा मारते हो, गद्दा मारने वाले शारिक भाई, उसके बाद जावेद मामू, अरे योगेश भाई हम आप यकीन नहीं मानेंगे, दिल्ली गए सरवर भाई की दुकान पे, सरवर भाई की दुकान पे गया तो वहाँ सरवर भाई बोलने लगे कहाँ से आए, हमने बोले भोपाल से आए, वो सलमान थे, तो बोलने लगे यार वो जावेद कैसा है, मैंने कहा कौन से जावेद, दो तीन जावेद ने कहले अरे वो जावेद काला, अच्छा मैंने कहा वो तो हमारे उस्ताद हैं, अरे कहले बेटा उससे कुछ सीख लो, कहले उससे कुछ सीखो, कहले वो तुम्हारे भोपाल का क्रीम है, कहले उससे सीखो, कहले लगे गांधी हिंदुस्तान में नाम चलता था गांधी का, गांधी को काटने वाला कोई नहीं था उस टाइम के अंदर, जावेद आया था लड़ाने तो उसने नीचे से साथ मारी हमारे ऊपर, तो कहला मैंने उससे कहा कि बेटा जावेद नीचे से तो कोई भी मार देता है, बात जबकि होती है कोई ऊपर से मारे, उसने हमारे ऊपर ऊपर से साथ मार दी, जावेद मामू ने, मामू ने उसके बाद धोनी आया, उसके बाद ऐसी पतंगबाजी अभी काले मिया मुनव्वर भाई, एक टाइम मुनव्वर भाई का ये था कि मतलब सातों की लाइन लगी रहती थी, वो कल मियां मुझे गाड़ी में बता रहे थे भाई कि जावेद और कौन गया था ट्रेनिंग लेने सीखने पेच का, आप अभी आए हो 18-20 साल गए थे ना, ये और थोड़ा लेट कर देते, हां हां तमाशा कल मियां बता रहे थे जावेद मामू, फिर मैंने लेट देखा, अरे ट्रेनिंग लेने लाए थे और मियां भाई सारे भाई गए थे इलाहाबाद और जावेद भी गया था इलाहाबाद, इलाहाबाद ये पीछे बैठे हैं अबरार भाई, गुरु कहने गए दोनों, अब भाई उमर के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी जो भाई 2004 में लड़ाने गए जी, हेलो गुरुजी की लड़ाई के छह काट दिए, अच्छा अच्छा मेरा पेच उड़ा, मैंने घेरा उसको, घेर के यहाँ पर ला के रख दिया मैंने, तो शम्मू कहने लगा था कि लबरा भी बचा यार पतंग हटा लो, मैंने कहा यार छह काट चुका है, अगर डोरा निकाल के लड़ाएगा तो पतंग हटा लेता हूँ, वरना तो मैं काट लूँगा यहाँ, क्योंकि मुझे मालूम है लाल परेड का ग्राउंड था बिल्कुल, कहीं शादी पर रखा मेरा पतंग इसको, कहला नहीं वहीं लड़ाएगा, मैंने उसका पेच वहाँ काटा, उनके बाप आ गए जो पूरे हिंदुस्तान को काट चुके थे गुरु जी, डोरा निकल के मैं लंबा कर दिया, और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भोपाल वालों से अच्छा पट किसी ने मारा ना कोई समझा, बाहर वाले जितने दबते सिर्फ पट में दबते, भोपाल में पट की इजाजत बदर भाई, अच्छा अच्छा निकल के गए सलंग तीन काट दिए मैंने,
परेशानी ये है इनसे पूछो चार मैदान लड़ाए दो साथी मारी और उस्ताद हो गए। अरे ये लंगड़े हो गए अगर के कोई अपडेट करे तो हम तो सीखने के लिए आज भी तैयार हैं। आज का जमाना उल्टा हो गया ये लंगड़े हो गए ये बैठा हूँ इधर ही पतंग लंबा लड़ लिया था कह लगे यार अपना भाई मैंने कहा तू पतंग उड़ाओ लड़वाने का रास्ता बना हुआ था पैर में मेरे ये बस लड़ाते थे फिर देखना आया था ऐसी हुई मैंने गुड्डू भाई करवा दी मुझसे कोई सिखाने वाला हो जाए तो हैदर इन लोगों पे भाई पकड़ो तो आवाज सही बात। अब आप चूतिया समझो तो मैं जबरदस्ती थोड़ी बताऊंगा लेकिन हैदर की पतंगबाजी और जिसने किया ना पतंगबाजी के अंदर मैं उसका सत्यास हो जवाब है अबरा भाई पतंगबाजी में हर खेल में हैदर की अच्छी पतंगबाजी आपने नहीं देखी आपकी क्रिकेट फुटबॉल हर खेल में अच्छी पतंगबाजी नहीं देखी अब हैदर ढल गया। हैदर की सबसे अच्छी पतंगबाजी थी योगेश भाई के क्लब में उस टाइम उसकी अच्छी पतंगबाजी थी। एक शानू इनके यहाँ से लड़ाता था अभी वो हैदर से बेहतर हैदर से बेहतर इन सबसे अच्छी करता था आमिर मतलब आमिर एक आमिर था वो भी बहुत अच्छा पतंगबाज था। एक टाइम के अंदर आपने शेरू की भी पतंगबाजी नहीं देखी आपने शेरू की पतंगबाजी भी नहीं देखी शेरू भी ढल गया। शेरू की पतंगबाजी भाई इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पतंगबाजी थी मतलब पहला ऐसा बंदा है मेरी नजर में जो के साथ मारता था। बस गुड्डू तू ये पेच काट दे फिर साथ देख योगेश भाई सुबह 11 बजे पेंच लड़ा शाम तक ऊपर से कितने पतंग कटेंगे ऊपर से लड़ाने वाले जयपुर में पतंग लड़ाने जयपुर गए थे लड़ाने शोएब से पूछा शोएब साथ में था हमारे तीन पतंग रखी थी छोटू के सामने कहले छोटू इन तीन पतंगों से एक पतंग के साथ मार दूंगा जयपुर का एक नंबर का शोएब किसके क्लब था इरफान है ना ऊपर का पेंच तो ऐसा एक नंबर का टन देता था रफी कहले छोटू शर्त लगा इन तीन पतंगों से एक में साथ मार दूंगा पहली उड़ाई पांच काटे कट गया दूसरी से साथ मार दी उसने पहले क्या फिट पार्ट था ना पेट था अब तो नहीं एक्सीडेंट के बाद हो गया एक्सीडेंट जब हुआ नेहरू नगर में यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने तो सालों पर हो गया भाई वेट बहुत एक्सीडेंट भी हो गया भाई साहब फिटनेस होना चाहिए इसके रॉड डली हुई है तो लाला अल्लू माजिद कुरैशी ये लोग क्या इनकी उम्र भी और ये हाल मोनी का रहा। मोनी ने बहुत कम टाइम पतंगबाजी करी बहुत शानदार मतलब भोपाल में सबसे अच्छी पतंगबाजी करी बाहर करके अंदर जब पतंग पलटाने वाला पेज जो उनका है हमने सिखाया शेरू साथ जोड़ा उसने सिखाया और फिर बाद में जावेद मामू जिनकी मैं बात कर रहा था जावेद मामू से तो कुछ पेश उन्होंने जूते बांधना सिखाया उन्होंने पतंग उड़ाना सिखाई उनसे तो मैंने वो डांट मतलब इतनी प्यार से डांटते हैं जावेद मामू तो बाहर से यार मुंबई आप यकीन नहीं मानेंगे मुंबई से किसी से पेज लड़ रहे थे यहाँ पे मामू मैं आया मैंने कहा मामू आपने वो जो पेज बताया था वो कट जाता हूँ मैं कहले तुम सही तरीके से नहीं लड़ा रहे होगे मैंने कहा साहब बताइए तो कहले मतलब हम आपको पेज काट के बताएं मैंने कहा साहब जब भी तो समझ में आएगी चलिए आइए तो मैंने कहा साहब चरखिल पकड़ पा रहे हैं धूप के टाइम में साथ मत करें तो चलें ऐसे क्या कहले मतलब हम साथ भी करें नहीं दुबई जावेद मामू के साथ जो एक चीज़ हमने सीखी थी उन्होंने यहीं यहीं पर खड़े होकर हम मियाँ भाई की टीम से ही थे कहले अमित चलो बेटा नए नए हो यार उमंग भाई इतना सा जो होता हाँ बिल्कुल हवा तेज़ हो गई मैंने कहा उस्ताद हवा तेज होगी किले तो क्या हो गया मैंने कहा साहब तो वो तो पतंग तो कट जाएगी बहुत हल्की पतंग है किले अपन इसी को तगड़ा कर देते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने कहा उस्ताद ये तगड़ी कैसे हो जाएगी किले अभी देखो सिर्फ थड्डा मला उस आदमी ने पतंग उड़ा दी सिर्फ थड्डा मला पतंग उड़ा दी और चार पाँच पेज फंसा फंसा के मेरे आँखों के सामने मैंने कहा भाई यार उस्ताद हुनर है आँखों का बड़ा अहम रोल होता है हर गेम बिल्कुल होता है आँखों का और पैरों का तो आपके अंसार मंजीत को निखारने वाले भी वही हैं जो अच्छा और क्या तो उनके कुछ ही नहीं आता था अंसार मंजीत को कुछ भी नहीं आता था जावेद मामू जी अरे जावेद मामू अंसार मंजीत को कुछ नहीं आता था अंसार को तो मैं ऐसी बेवकूफ बना बनू की खींच लेता था इन लोगों को पता भी नहीं चलता था कब पड़ जाते थे आइए आइए बड़े वाले का क्या कहना है जो नए लोग मतलब इसका पार्ट बनना चाहते हैं वो कैसे पार्ट बने जैसे अब हम हैं अगली पीढ़ी नई पीढ़ी हम चाहते हैं कि कोई बड़ा हमसे ऐसा जुड़े या हम किसी से ऐसे जुड़े जो हमारा थोड़ा सपोर्ट कर सके उसके लिए आप क्या बोलते हैं जावेद भाई हैंगे अपने अपने शोएब भाई हैंगे अपने मियाँ भाई मुनव्वर भाई हैंगे बहुत सारे अभी भी ऐसे पतंगबाज हैं जो आपको बिल्कुल सही टिप्स दे सकते हैं पतंगबाजी के मामले में मगर आप उनकी बात मान के तो चलो आजकल तो सीनियरों की कोई इज्जत करना ही नहीं चाहता नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गलत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंटरेस्ट ले रहे हैं आप जो नई पीढ़ी आना चाहती है जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए हम किससे कॉन्टैक्ट भाई वो तो ऐसा है कि आप पेज देखिए
पेज देखिए, गौर से देखिए और फिर वो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैदानों में तो मतलब जैसे आप नाम ले रहे हैं, बहुत कम लोग, बड़े लोग देखने मिलते हैं, कुछ प्रोफेशनल गेम्स देखने ही वो आते हैं, ठीक है, संडे के दिन जैसे नहीं, नहीं अभी अभी सीनियर्स कुछ लड़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है सीनियर्स लड़ा नहीं रहे, लड़ाते हैं सीनियर्स, रफ़ी भाई अभी भी लड़ाते हैं, शोएब भाई लड़ाते हैं, मुनव्वर भाई लड़ाते हैं, जावेद मामू भी लड़ाते हैं, आप आइए उनके गेम देखिए किसी दिन, आपको पता चलेगा। लक्ष्मी टैकिस की तरफ से जावेद मामू लड़ाते हैं, अभी भी लड़ाते हैं, आप उनका गेम देखिए, आप उनके पेज देखिए, उनकी पेजों में बहुत बारीकियाँ हैं, वो कहाँ डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, अभी भी वो एक एक पेज में दो दो चार चार पेज लड़ा देती हैं। नई पीढ़ी के लिए कोई पतंगबाजी में कोचिंग सेंटर तो है नहीं कि वहाँ अपन बच्चों को भेज दें, वहाँ कुछ सीख लें, पूरे इंडिया में कहीं कोचिंग सेंटर नहीं है, ये तो सेल्फ उनको खुद सीखना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, टाइम देके पेज देखना पड़ेंगे, वो खुद सीखें, ये नेचुरल टैलेंट होता है पतंगबाजी, तो खुद आएं देखें और सीखें, ये ही है नई पीढ़ियों के लिए। हम लोग सब बैठे हुए हैं, इतनी उम्रें हो गई हैं, हम लोग आज तक आ रहे हैं, अब ये लोग तो आते हैं नए लड़के के, बस आए और जल्दी से पतंग उड़ाएं और खेचा खाची करें, आज का सिर्फ जिसकी खिंचाई है उसको अच्छा पतंगबाज कहते हैं, मगर एक्चुअल पतंगबाजी तो वो है जिसको दाव पेच मालूम हो, रख रखाव उसका अच्छा हो, वो पतंगबाजी होती है, भाई यही कहना है। जितने भी नए पतंगबाज जो अभी अपना रुझान ले रहे हैं और आना चाहते हैं, क्लब में आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो भोपाल में जितने भी पुराने क्लब हैं जो ऑलरेडी पतंगबाजी कर रहे हैं, उन पुराने क्लबों के साथ अपना रुझान बनाएं, टीमों में जुड़ें, वहां सीखें पहले, उसके बाद फिर पतंगबाजी का मज़ा लें मैदान में आकर के। अभी जो नए नए प्लेयर जो मैदान में आ रहे हैं वो सीधा अपना क्लब रजिस्टर कराते हैं, चार छः लोग मिलते हैं, नई कहानी बनाते हैं और सामने आ जाते हैं, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं होने की वजह से भी वो परेशानी, काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करते हैं। तो आप पुराने क्लबों से जुड़ें, यही निवेदन है सभी लोगों से, जितने भी नए खिलाड़ी हैं उनके साथ जुड़ें, चार छः महीने आठ महीने वहाँ पतंगबाजी सीखें, थोड़ा सा हुनर लें, पुराने तजुर्बेकार लोग हैं, हमारे गुड्डू भाई भी हैं, योगेश भाई भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं जो उनको सिखाएंगे भी, समझाएंगे भी और मैदान का हुनर भी देंगे, तो इस तरीके से वो शुरुआत करके अपने गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए, शुक्रिया। हेलो सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो सर मतलब अभी तक लगभग सभी लोगों से मिलना हो गया, आपसे फर्स्ट बार मिल रहे हैं जी, ऐसा सुना है और ऐसा मतलब सब वरिष्ठ भी बताते हैं कि आप जो हैं वो इस टूर्नामेंट को कराने के लिए एक बहुत मतलब मेन व्यक्तित्व रहे हैं जी, आप कह सकते हैं इस बारे में। एक चक्कर क्या, हमारे दोस्त उमंग भाई, उमंग अग्राडे जी जो हैं और अमित भाई केसवानी, ये हम तीनों ही हैं भागीदारी, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, ये तीनों और ये हमारा अंकल जो हैं वरिष्ठ, ये संरक्षक हैं हमारे तीनों के, इन्हीं के मार्गदर्शन पर ये हो रहा है यहाँ पर, वरना असंभव था ये मामला, क्योंकि भोपाल में पता नहीं किस ज़माने में, हम तो थे नहीं, हमें मालूम नहीं था, या हम छोटे होंगे, इन्होंने किस ज़माने में, कब कराया था अंकल आपने? अरे उमंग, आठ साल पहले बताना कराया था, उसके बाद अमित भाई, उमंग और हमने करा, इनको इनके समक्ष हमने अपना प्रस्ताव रखा, इन्होंने कहा करी, गो अहेड कहा इन्होंने, तो फिर हमने उसके बाद आगे की प्रक्रिया रणनीति बनाई और आज हो रहा है, मालिक का करम ऊपर वाले। तो लगातार मतलब टीमों का भी रिव्यूज ये है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है जी, ठीक है, अभी लगभग हम थर्ड राउंड के लिए मतलब जो क्वालिफाई भी कर रहे हैं टीमें हैं जी, तो अभी तो ये चीज चलिए बहुत अच्छी चल रही है, आगे इन फ्यूचर हम और क्या देख सकते हैं? इन फ्यूचर की अगर आप बात करते हैं तो उस पर बात करी जाएगी कि क्योंकि अगर ऑल इंडिया कराते हैं तो उसमें ये तो बहुत छोटा सेटअप था, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप कराया जा सकता है होगा, ये उमंग भाई और अमित भाई से और अंकल से गुड्डू चंद से मशवरा करने के बाद ही कुछ बताएंगे साहब इंटरनेशनल में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है वो बेसिकली। और हाँ, अच्छा एक चीज़ जो सबसे मेन है वो ये है कि देखिए ऑल इंडिया तो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है, उसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हम लोकल लेवल पे ऐसे टूर्नामेंट देखते रहेंगे, क्योंकि कई टीमों का कहना ये है कि भाई टूर्नामेंट नहीं लड़ता इसलिए हम तैयार भी नहीं थे। बिल्कुल, इस बार ये आरंभ हो चुका है जी। हर साल या हर छः माह में कमेटी की मीटिंग बैठेगी, उसमें निर्णय ज़रूर होगा और हर साल का हम लोगों को सोचना ही है कि हर साल लोकल टूर्नामेंट ज़रूर कराएंगे हम, और इसी ग्राउंड पर कराएंगे, इस ग्राउंड को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे कि ये डेवलप हो, अच्छा हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो,
ये सब सारी चीज़ें देखते अच्छा, हुए एक चीज़ और देखिए, हम सब मैदानी पतंगबाज हैं जी हाँ बिल्कुल हैं, है ना। आगे पतंगबाजी के लेवल को प्रमोट करने के लिए न्यू जनरेशन के लिए आप क्या लेके आएंगे, क्या आप करेंगे इनोवेटिव प्रमोट के लिए? देखिए हम तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे इस टूर्नामेंट को इतना आगे बढ़ा दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया कि हर चैनल पे, हर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके चैनल के माध्यम से इतना पब्लिश हो गया है कि हर बच्चे को, हर इंसान को ये मालूम है कि भदभदे पे मैदान चल रहा है, पतंगबाजी हो रही है। और हम जहाँ बैठते हैं, जो जो की दुकानों पे या पतंग वालों की दुकानों पर बैठते हैं, नए नए युवा बच्चे सब आ रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है इन फ्यूचर के बहुत अच्छा रहेगा मामला। मतलब अमित भाई मिलवाइए सबसे हमारे टूर्नामेंट में अच्छा, हमारे टूर्नामेंट में अच्छा सहयोग देने वाले और पुराने अनुभवी खिलाड़ियों में जिनका नाम शुमार है और आने वाली पीढ़ियों में काफ़ी सारा हुनर देने वाले जो हमारे पुराने पतंगबाज हैं, उन लोगों से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे गुड्डू भाई हैं, हमारे शेरू भाई पुराने अनुभवी प्लेयर हैं, हमारे उस्ताद और हमारे जावेद मामू जी, हाँ जावेद मामू जी हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को इन्होंने अपडेट किया हुआ है। आज इनसे शेयर करते हैं कि इनका अनुभव और इनका पतंगबाजी को लेकर के क्या इम्पोर्टेंस निकल गया। कैसे हैं सर, कैसे हैं सबसे पहले तो? ठीक हूँ। नमस्कार, मतलब हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो कैसे हैं सर सबसे पहले तो? अच्छा हूँ, बेहतरीन। तो कैसा लग रहा है सर ये टूर्नामेंट चल रहा है भोपाल गाइड? ये खैर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, कम से कम लोग यहाँ पर पतंगबाजी करने तो आ जाते हैं, क्योंकि आजकल ये मोबाइल का दौर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बात बुरी है कि मोबाइल में कुछ ना सीखें, आगे नहीं बढ़ें, मगर यह है कि पतंगबाजी से एक इनको एक अच्छी तंदुरुस्ती सेहत होती है इनके लिए, मैं यही कहना चाहूँगा। ये अच्छा, तो मैं ये पूछूंगा कि सर मतलब जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं हमारे, अभी गुड्डू चाचा भी थे, उन्होंने भी बात बोली जी, कि आपके द्वारा जो पतंग लड़ाई गई, बाहर जाने के भी आपके तजुर्बे थे जी जी, वो कैसे रहे सर? थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताएं, फिर और आगे पूछते हैं। वो अच्छे रहे काफ़ी। पहले हमारे यहाँ की टीमें ज़रा कमज़ोर थी, अब बहुत अच्छी हो गई हैं। हमारे यहाँ जैसे शेरू भाई हैं नए लड़ाने वाले, ये बहुत अच्छे हैं, और ये हमारे गुड्डू साजिद जो हैं ये भी अच्छी लड़ा रहे हैं आजकल। अच्छा, आप और बाहर के लोगों में जैसे आगा भैयू हैं, वो लड़ाया करते थे, एक गुरुजी थे इलाहाबाद के, वो बहुत अच्छे थे, हमने उनसे पतंगबाजी सीखी। और अच्छा, एक सरवत जमाल जी, आपके उस्ताद वही हैं? नहीं, मेरे तो कई असातीज़ हैं, मतलब बहुत उस्ताद हैं। अच्छा। यानी एक उस्ताद से काम मुश्किल है, हर इसके अंदर हुनर कई उस्तादों से लेना पड़ता है जी। अच्छा, आप मतलब काफ़ी बाहर लड़ाने भी गए भोपाल की तरफ से, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएं, कोई ऐसा किस्सा बताएं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, कुछ ऐसा आपके दिल के बहुत करीब है, कुछ पतंगबाजी संबंधित ऐसा कुछ बताएं जी। हाँ, एक बार ऐसा वाकया हुआ था, अभी मैं इन लोगों को सुना ही रहा था कि वो एक बच्चा था लखनऊ में, हम पेच लड़ाने गए थे, तो वो बहुत तेज़ तेज़ हम लोगों को खींच के काटे दे रहा था, मगर वहाँ जो पतंगबाजी के लिए देखने वाले भी लोग हुआ करते हैं, तो उसमें एक भैंस चराने वाला था, उसने कहा कि यार इसको ऐसे काट दो, तो फिर हमने वैसा ही किया, तो फिर वो कट गया। फिर उसके बाद हमारी वहाँ पर साथ भी हुई उसी क्लब पर, तो बहुत अच्छा क्लब था वो भी वहाँ का, लखनऊ का, तो लखनऊ में भी बहुत ज़बरदस्त पतंगबाजी है। और वहाँ सरवत जमाल साहब हैं, अभी वो भी हमारे उस्ताद हैं, तो काफ़ी मज़ा आता था वहाँ पहले जाने में। अब ज़रा सा यही है कि जो नए लोग हैं उनसे यही कहेंगे कि आजकल क्या होता है कि एक दो चार पेच काटे किसी ने, ये तो ऐसा है कि कभी नया आदमी भी काट सकता है आकर, तो फौरन वो बन जाते हैं क्यों, तो बड़ा मतलब उस्ताद आदमी है। तो हमें गुरुजी यही बताया करते थे इलाहाबाद के जो थे कि देखो जावेद, कभी घमंड ना करना पतंगबाजी पे कि इसको ऐसी काट देंगे, ऐसी काट देंगे। कहने लगे एक दिन हमने ऐसी कमज़ोर टीम से पेच कर लिए थे, तो उसने हमको इतनी कटाई बचाई उसने हमारी के हमारे बैग खाली हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा है जी, जैसे आप बड़े हैं जी, थोड़ा सा माइक पास रखिए जी जी, जैसे आप बड़े हैं और आने वाली जो पीढ़ी है जैसे अभी भी सीख रहे हैं और आगे भी जो लोग सीखेंगे, एक तरीके से
तो क्या आप किसी को अपना जो मतलब एक तरीके से जो चेला बोलते हैं उस्ताद, हाँ शागिर्द कहा जाता है, हाँ जी हाँ, शागिर्द, तो क्या आप किसी को शागिर्द बनाएंगे अपना? हाँ क्यों नहीं, अगर कोई बनना चाहेगा तो बनाएंगे, वरना हम पकड़ के तो लाके बना नहीं सकते किसी को। जी हाँ, किसी की इच्छा है अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल उसको सिखाया जाएगा सब कुछ। जी हाँ, अब ये लोग इनका बड़कपन है ये कि ये कहें मुझे उस्ताद, तो मुझे तो खैर खुशी होती है, लेकिन हाँ ये लोग भी बहुत अच्छी लड़ाते हैं यहाँ पर। जी जावेद भाई, भैया हमारे उस्ताद जो हैं भैया भाई हैं, भैया भाई लंबू के नाम से उन्हें जाना जाता था। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी पतंगबाजी करी भोपाल में भी, भोपाल से बाहर भी। अब उनका इंतकाल हो गया है, उनके इंतकाल के बाद अब हमारे उस्ताद जो हैं जावेद भाई हैं, हम इन्हीं से सब पूछते हैं, इन्हीं से जब सीखते हैं, जो भी सीखा है, जो भी करा है, थोड़ा बहुत जो भी कर लेते हैं, खेल लड़ा लेते हैं, वो सब जावेद भाई की देन है, इन्हीं से पूछ पूछ के लड़ा रहा है पतंगबाजी। ये हमारे भैया भाई हैं, और अगर मतलब अगर कोई इनसे अपने कन्ने बचा सके वो तो गया, बताइए आप भी थोड़ा। ये तो सब टाइम टाइम की बात होती है साहब, टाइम गया, उम्र हो गई, अब नहीं होते। जैसे कह रहे गुड्डू भाई बता रहे हैं कि कन्ने काट दिए जाते थे, अब तो नई उम्र के बच्चे आ गए हैं, खूब खींच रहे हैं, वो काट रहे हैं खूब। और हमारे दोस्ता दिए ही हैं साहब जावेद भाई। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत। तो बताएं शेरू भाई, बताएं कुछ किस्से जो हैं वो आप बताएं, बाहर की टीमों के जब भी आप लड़ाने गए ऐसा कुछ बताएं इंसिडेंट बढ़िया। भाई ये हमारे शोएब भाई जी, और हमारे लेफ्ट हैंड में गुड्डू भाई, हम तीनों तकरीबन 16 से 18 साल से साथ हैं, और एक क्लब में ही पतंगबाजी कर रहा है, और काफ़ी पुरानी पतंगबाजी कर रहा है। और कई किस्से हम लोगों के साथ, हम लोग जयपुर लड़ाने गए, जयपुर में तीन पतंगें उड़ाईं, तीन में से एक से बोला इससे साथ हो जाएगी, तो अल्लाह ने उससे साथ करवा दी। हमारे छोटू भाई हैं उनसे शर्त रखी, हमारे गुड्डू भाई हैं, कभी जैसे हमारे 10-12-15 टिकट बाहर हो जाते थे, इत्तेफाक इनसे कहना होता था गुड्डू भाई एक पेज आप ऊपर से काट के दे दिए इंशाल्लाह नीचे से गेम निकाल लेंगे, ऐसा होता था गुड्डू भाई पेज काट देते थे, हम गेम पूरा निकाल लिया करते थे, जो हमारे 10-12 टिकट बाहर होते थे हम 10-12 पर्चों से और जीत जाया करते थे। और हमारे शोएब भाई हमारा साथ देते थे बराबर, उसमें नीचे से जाके पेच काटते थे। हम लोगों ने कम से कम 8-10 टूर करे हैं बाहर के, और अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 टूर में से कम 6-7 जीते हैं, एक बार ही हार के आए एक आध दो बार बस, बाकी बहुत अच्छी पतंगबाजी करी है हम लोगों ने, और तीनों बहुत टाइम से साथ ही हैं। अच्छा एक चीज़ बोलने का है कि मैंने बहुत लोगों की पतंगबाजी देखी, आप इतनी शांति से जो पतंगबाजी करते हैं, इतने कूल माइंड से करते हैं, वो कैसे मतलब पॉसिबल है? बिल्कुल रख के, बिल्कुल जगह पे, मैंने देखा है लोगों को, मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने लोगों को देखा है बड़ी मतलब रहता है कि अरे भाई काट नहीं है, आप शांत होके भी वो चीज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे है वो चीज़? वो चक्कर ये है, हमारे जो राइट हैंड पे हैं वो शोएब भाई खड़े हुए हैं, और लेफ्ट हैंड पे गुड्डू भाई हैं, ये शुरू से गुस्से के तेज़ रहे हैं दोनों भाई हमारे, तो इन दोनों के बीच बचाव में हम इतने लगे रहते थे कि अपने आप को कूल ही रखना पड़ता था। एक भाई को गुस्सा आता था तो दूसरे फ़ौरन तैयार रहते थे कि चलो अब, तो बीच वाली पार्टी से हमें ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। इन लोगों के गुस्से को देख देख के हम इतने मतलब शांति वाले पेज लड़ाने लगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए इन लोगों के गुस्से के आगे, तो जब से फिर सुकून शांति और सुकून से गेम लड़ा। बताइए भैया, सिद्ध भाई ये हमारे शेरू भाई हैं, शेरू भाई ख़ुद भी एक काइट में करें, और इनके उस्ताद रहे हैं बड़े भैया भाई जो कि जिनका अब स्वर्गवास हो चुका है, और उन्हीं से इन्होंने पतंग बनाना सीखी है, कुछ पतंगें इनकी भी बनाई हुई हैं, बाकी आप शेरू भाई से सुनिए उनकी जबानी। हमारे जो उस्ताद थे बड़े भैया भाई के नाम, हमारे जो उस्ताद हैं बड़े भैया भाई, अब उनका इंतकाल हो गया है और हम उनके शागिर्द हैं, और हमारे जो उस्ताद हैं उनके ये शागिर्द हैं हाफिज़ इरशाद साहब, ये कुछ इरशाद साहब की पतंगें आप देखिए करीब लाके, ये उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं से इन्होंने पतंग बनाना सीखी है, और बहुत अच्छी पतंगें बनाते हैं, लेकिन भाई ये शौकिया बनाते हैं, ये बेचते नहीं हैं पतंगों को, ये शौकिया टीम वालों के लिए पतंग बनाते हैं और बहुत लाजवाब पतंग बनाते हैं। ये गुड्डू भाई आप बोलिए पतंगों के बारे में। लाजवाब पतंगें इरशाद भाई की, ये दाऊद भाई भी पतंग बना लेते हैं, अभी ये इरशाद भाई के शागिर्द हैं पतंगबाजी के अंदर। हाँ तो ये तीनों ही पतंग बना लेते हैं,
और अच्छी पतंग बनाते हैं। ये 6 लोगों में 3 काइट मेकर खड़ा हूं आपके सामने जी, एक है शादी मेकर और ये शोएब भाई जो है ये शादी बहुत अच्छी बनाते हैं हमारे क्लब में। इनकी शादी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई भी हो रही है जी। हाँ, किसी को अगर शादी चाहिए हो तो शोएब भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। एक नंबर शादी हमारे पूरे क्लब में, हमारे पूरे क्लब में लगभग समझिए कि आज तक हम लोगों ने शायद ही कभी शादी खरीदी हो, इनके हाथ की शादी लगाते हैं हम सब लोग। मेरे पास शोएब भाई के हाथ की तकरीबन 27 या 28 शादी हैं, हर कलर की शादी हैं, हर नंबर की हैं, 3, 4, 6, 8 नंबर भी इन्होंने अभी बना के दी है मुझे शादी, और सारी शादियाँ नेशनल लेवल की हैं, सारी की सारी। आप किसी भी शादी वाले की शादी रख लीजिए, शोएब भाई की शादी रख लीजिए, और लेकिन ये भी वही शौकिया बनाते हैं, लेकिन अगर अगर किसी का इनसे ताल्लुकात अच्छा है तो उसको बना के देते हैं, बाहर भी जाती हैं इनकी शादियाँ देंगे। और ये हमारी पूरी कंप्लीट सनशाइन टीम है, भोपाल की कंप्लीट टीम। अच्छा इंटरव्यू रहा। रिद भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, टूर्नामेंट पूरा कवर किया है इन्होंने, इनको लाइक कीजिए और आगे इनको हमारी तरफ से पूरी टीमों की तरफ से शुभकामनाएं, और कमेटी इनके बारे में भी बहुत कुछ सोच रही है, इनको भी कुछ सरप्राइज इंशाल्लाह ज़रूर देगी कमेटी। थैंक यू। बहुत अच्छे भाई। इसके पेज के बारे में बताएं भाई। उमंग भाई की जे, पहले तो उमंग भाई ने जो पेज काटा है वो शायद ये इतिहास में शायद कभी भूला नहीं जाएगा जी। ये हमारे साथ भाई आ रहा है, ये थोड़ी इस दो शब्द कहेंगे पेज के बारे में, बताइए साथ। दो शब्द ये कहूँगा कि उमंग जैसा खिलाड़ी जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट यानी नई पतंगबाजी उसने शुरू करी है, उसके बाद इतना अच्छा हुआ पतंग उनको खिलाड़ी ताहिर का उन्होंने काटा अंदर का मुंह कस के, बहुत ज़बरदस्त पतंग पेच काटा उन्होंने, और मैं उनके मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया साहब भाई आपका। वो कल का मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, ये आप अपने एक अलग बता दिए, कल 10 बजे सारी टीमें बिल्कुल मौजूद रहें, 10:30 से कल गेम लड़ेंगे, जो बचे हुए लेफ्ट ओवर है पहले वो, उसके बाद थोड़े डल के सेमीफाइनल लड़ जाएंगे। कल ही हम फाइनल भी करेंगे। और ये सिलनिंग ये समझ लीजिए भाई से हमें बहुत बड़ा एक वो चाहिए, ट्रीट चाहिए, और तारक भाई को बहुत बधाई इस मामले में। तारक भाई कश्मीरी जो हैं उनकी ये बी टीम है, और तारक भाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि तारक भाई आपने जो है ना, मैं भी बधाई देना चाहता हूँ, भोपाल कराटे एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ मैं तारक कश्मीर हो, ठीक है, जो हमारी भोपाल की शान है, हमारा जिगरी दोस्त है, उसको बहुत बहुत बधाई, और उसका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट कराने। और अंत में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल जो इतना अच्छा काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, हम तहे दिल से पूरी हमारी जो कमेटी है आपको स्पेशली थैंक्स बोलेगी इस बारे में, और आपका आभार व्यक्त करेगी। बहुत बढ़िया।